अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद, स्वागत है। जो नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, स्क्रूटनी फॉर्म जारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फीस क्या है और लास्ट डेट क्या है। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको अपना गूगल क्रोम या फिर गूगल पे आपको सर्च करना है बिहार मदरसा बोर्ड पटना, आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार मदरसा बोर्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबते एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है स्क्रूटनी को लेकर। वर्ग फोकानिया एंड मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2024 के संबंध में सूचना, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूं इसलिए मुझे डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ऑफिशियल नोटिस ओपन हो जाएगी। यहां पे आप देख सकते हैं फोकानिया मौलवी इम्तहाना 2024 के उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए 30 अप्रैल तक दरख्वास्त करें। अब स्क्रूटनी है क्या, आपको ये समझना है। देखिए स्क्रूटनी ये है कि अगर आपने 2024 में फोकानिया और मौलवी का एग्ज़ाम दिया था, आपको लगता है कि हमने एग्ज़ाम सही तरीके से दिया बट हमारा जो नंबर है वो काफ़ी कम है। जैसे अगर आपका मौलवी में नंबर आया है 470 नंबर आया आपका, या फिर आपका 480 आया बट आपको लगता है कि नहीं, 470 की जगह हमने 600 नंबर का पेपर दिया तो इतना नंबर कम क्यों आया, तो आप क्या है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। बट पिछली बार 2023 में जो बच्चों ने फॉर्म भरा था वो क्या था कि फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे ने भी फॉर्म भर दिया कि हमारा नंबर भी थोड़ा सा कम है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे तो हमारा जो नंबर है वो ज़्यादा आ जाएगा। बट आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर आपका फर्स्ट है या फिर सेकेंड है तो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि स्क्रूटनी में क्या होता है कि कभी कभी जब आपकी जाँच की जाएगी सही तरीके से कॉपी की तो आपका नंबर को घटा दिया जाता है, क्योंकि पहली मरतबा में जब आपकी कॉपी चेक की गई तो जल्दी जल्दी में कॉपी चेक की गई, बट अब जो कॉपी आपकी चेक की जाएगी वो स्क्रूटनी में कम बच्चे फॉर्म भरते, इसलिए अच्छे तरीके से नोटबुक आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अगर आपने गलत लिखा होगा तो आपका नंबर जो है काफ़ी कम हो जाएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेकंड आते हैं वो थर्ड आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करना। हाँ, अगर आपका थर्ड है यानी कि आपका नंबर कम है, या फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमने कॉपी सही तरीके से लिखा है, हमने एग्ज़ाम सही तरीके से दिया है बट हमको मदरसा बोर्ड ने नंबर कम दिया, तब आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट पे। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आपका जो लगेगा पैसा वो 200 रुपया लगेगा पर सब्जेक्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फी सब्जेक्ट 200 रुपया। आपको मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा दो ही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका हिंदी में कम नंबर है तो हिंदी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका अरबी में कम नंबर है तो अरबी में सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि 400 रुपये लगेगा और आपका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। बट अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब्दुल मोहम्मद डॉक्टर नूर इस्लाम साहब ने, जो कंट्रोलर हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, उन्होंने बाबती ऑफिशियल नोटिस जारी की है कि बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं, 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रखा गया। अब कैसे फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी वाली वेबसाइट पे आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कि फोकानिया एंड मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2024, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है सर्च कैंडिडेट ऑप्शन। सर्च कैंडिडेट ऑप्शन पे सबसे पहले यहाँ पे आपको
चूज स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको फोकानिया का अगर आपने एग्ज़ाम दिया था फोकानिया सेलेक्ट कर लेना, अगर आप मौलवी का दिया था तो मौलवी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे रोल विथ कोड यानी कि रोल नंबर और आपको रोल कोड दोनों साथ देना है। उसके बाद साथ देने के बाद यहाँ पे सर्च कैंडिडेट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू से एक एक सब्जेक्ट ले लेना। जैसे मैं सब्जेक्ट वन से दिनियात में ले लिया हूँ कि मुझे दिनियात में मेरा दिनियात में कम नंबर है। अब सब्जेक्ट टू में आपको क्या करना, अरबी एक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जो है ऑटोमेटिक आपका चेक होगा पूरा, आपका दिनियात का और आपका अरबी का जो पेपर है वो चेक होगा। उसके बाद जो आपकी मार्कशीट आएगी, सर्टिफिकेट आएगी, उसमें आपका नंबर को बढ़ाकर मेंशन कर दिया जाएगा। ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर।